स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्व यू आर मोस्ट वेलकम इन दीक्षित क्लासेस टॉपिक चैप्टर थ्री क्वेश्चन हो चुका है आप लोग वीडियो भी देख चुके हैं आज चौथा नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर दी इंडस्ट्रियाजेशन इन इंडिया डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी डी इंडस्ट्रियाजेशन मैने होता है उद्योग धंधों का बर्बाद होना उद्योग धंधा खत्म कर देना है। तो डी इंडस्ट्रियान के क्या कारण थे डिस्कस इज इट्स ऑन इंडियन और भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ा यह 2018 और 2020 दोनों साल बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है चलिए फिर आंसर की शुरुआत करते हैं पहला हेडिंग देंगे आप लोग इंट्रोडक्शन द ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स डी इंडस्ट्रलाइज इंडिया इन देयर ओन इंटरेस्ट ब्रिटिश औपनिवेशिक राजाओं ने इंडिया का डी इंडस्ट्रियाजेशन किया यानी उद्योग धंधों को बर्बाद किया इन देयर ओन इंटरेस्ट अपने स्वार्थ के लिए अपने फायदे के लिए दैट इज टू से दे रोइंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सो दैट दे कूड यूटिलाइज द्यूज इंडियन मार्केट फॉर सेल ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट अपने खुद के प्रोडक्ट को बेचने के लिए भारत जैसे विशाल व्यापार का केंद्र पाने के लिए क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा देश है आबादी के मामले में सेकंड नंबर पे तो भारतीय व्यापार भारतीय बाजार एक विशाल बाजार है उसका उपयोग करने के लिए उन लोगों ने जानबूझ करके ट्रेडिशनल इंडस्ट्री माने जो परंपरागत इंडस्ट्री थे जो उद्योग धंधे थे हमारे देश में उसको उन लोगों ने बर्बाद किए और वो लोग सफल भी हो गए अपने इस मुहिम में वेरियस फैक्टर्स व रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट उसके कई सारे कारण थे नंबर ए द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द प्रोसेस ऑफ मैनुफैक्चरिंग इन इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसको औद्योगिक क्रांति कहते हैं ये अठारहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुई थी कुछ इतिहासकार उसका डेट सेवनटीन मानते हैं कुछ सेवनटीन मानते हैं खैर एटीन सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में तो वहां का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था वो पूरी तरह से बदल गया क्योंकि नई नई मशीनें इंस्टॉल की गई विद द हेल्प ऑफ द मशीन इट वॉज पॉसिबल टू प्रोड्यूस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स विद इन अ शॉर्ट टाइम और औद्योगिक क्रांति के बाद जो नए नए मशीन लगाए गए जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत तेजी से होने लगा और बहुत कम समय में होने लगा इन ऑर्डर टू सिक्योर द मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफेक्चर इट वॉज नेसेसरी टू रू इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगे तो क्वेश्चन हुआ कि वो माल बिकेगा कहाँ? तो वहां के जो मान इंग्लैंड के जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट थे उनको बेचने के लिए भारतीय व्यापार को भारतीय बाजार को सिक्योर किया गया सुरक्षित किया गया और ऐसा करने के लिए उन लोगों ने जो हमारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थे माने अंग्रेजों के आने के पहले से जो भी उद्योग धंधे भारत में चल रहे थे उसको बर्बाद करना उन लोगों के लिए उन लोगों ने जरूरी समझा और उसको बर्बाद कर भी दिए पॉइंट नंबर बी द सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन एजेंट ऑफ द कंपनी द वीवर्स इन वेरियस वेज वीवर मीन्स बुनकर जो कपड़ा बुनते हैं कपड़ा तैयार करने वाले लोग जो हाथ का करघा चला करके कपड़ा बनाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट यानी नौकर या इंडियन एजेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे उन लोगों ने नाना प्रकार का जुल्म किया बुनकरों के ऊपर जिसके चलते अनएबल टू बियर इट मेनी वीवर्स गेव अप देयर एनसेस्टर प्रोफेशन जब उनके अत्याचारों को नहीं सह पाए तो बहुत सारे बुनकरों ने अपने पैतृक प्रोफेशन को माने उस पैसे को छोड़ दिया और वो बेरोजगार हो गए सिमिलरली उसी प्रकार से हैंडीक्राफ्ट मैन ऑल्सो आउट ऑफ जॉब्स उसी तरीके से शिल्पकारों को भी उनके जॉब से हटा दिया गया माने उनका जो भी बिजनेस था उसको खत्म कर दिया गया पॉइंट नंबर सी द अनइक्वल कंपटीशन बिटवीन द ब्रिटिश मैशीन मेड गुड्स

प्राचीन तकनीकी थी हमारे पास और उसी से हम अपने जो भी प्रोडक्ट बनाते थे यही कारण था कि अंग्रेजों के आगे हम हार गए पोटेंट माने होता है प्रबल यानी हम कह सकते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो एक प्रमुख कारण था एक मुख्य कारण था कि उनके पास अत्याधुनिक मशीन थी और हमारे पास ट्रेडिशनल वेपन थे सॉरी ट्रेडिशनल इंप्लीमेंट्स थे पॉइंट नंबर डी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द रिड्यूस डिमांड ऑफ इंडिजिनस गुड इन द फॉरन मार्केट एक वो समय था जब हमारे मालों से विदेशी व्यापार पटे पड़े थे और अंग्रेजों की इस नीति के कारण डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण विदेशी मार्केट में इंडिजिनस गुड्स यानी प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी यानी वो हमारे माल नहीं खरीदने लगे बिकॉज चेंज ऑफ टेस्ट एमंग द ब्रिटिश पीपल द डिमांड ऑफ इंडिजिनस गुड्स रिड्यूस कंसिडरेबली उसका कारण यह था कि उनका टेस्ट बदल गया था माने आधुनिक मशीन से बने हुए कपड़े वो पहनने लगे इसलिए हमारे कपड़ों का दाम धीरे धीरे विदेशी व्यापारों विदेशी बाजारों में कम होने लगा और हमारे उद्योग धंधे आस्ते आस्ते करके बंद होने लगे पॉइंट नंबर ए द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज रेलवे का इंट्रोडक्शन भारत में जो हुआ था 1853 वो भी एक बड़ा कारण था ऑल्सो हेल्प द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन उसने भी अन्योगिकरण का पूरा पूरा साथ दिया उसका कारण यह था द रेलवे नेटवर्क एनेबल द ब्रिटिश गुड्स टू रीच इवन द रिमोटेस्ट मार्केट एरिया इन इंडिया इंडिया के सबसे रिमोटेस्ट मतलब दूरस्थ मतलब जहां पे नहीं माल पहुंच सकता था विदेशी माल अंग्रेजों का वहां भी जब ट्रेन का इंट्रोडक्शन हो गया ट्रेन चलने लगे इंडिया में तो वहां भी वो अपने माल पहुंचाने लगे जिसका कारण था और उसका एक और बहुत बड़ा कारण था जो आप लोगों से हम शेयर करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ हैंडमेड प्रोडक्ट थे यानी हाथ के करघे से बनाई जाती थी साड़ी तो उसका दाम निश्चित रूप से ब्रिटिश में जो अत्याधुनिक मशीनों से बने कपड़े थे उसके तुलना में हमारे दाम थोड़े ज्यादा थे इसलिए हमारे बाजार हमारे ही बाजार में हमारे प्रोडक्ट कम उन लोगों के प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगे द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरन गुड्स एट अ अ चीपर प्राइस डेल्ट सीवियर ब्लो ऑफ ट्रेडिशनल इंडिजिनस इंडस्ट्री और ट्रेडिशनल इंडिजिनस इंडस्ट्री को बर्बाद होने का एक बड़ा कारण यह भी था कि फॉरेन प्रोडक्ट के जो दाम थे वो सस्ते थे और हमारे प्रोडक्ट के जो दाम थे वो ज्यादा थे क्योंकि हमारे पास वैसी मशीनें नहीं थी इम्पैक्ट ऑफ डी इंडस्ट्राइजेशन इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ा England, England के, मालिकों के, की के लिए इंडिया वॉज ट्रांसफर्म इन टू अंट्री दैट वॉज द सप्लायर ऑफ रॉ मेटेरियल एक जमाना था जब हम सप्लायर थे फिनिश प्रोडक्ट के आज हम सप्लायर हो गए रॉ मेटेरियल के मैंने हम रॉ मटेरियल उन लोगों को देते थे और वहां से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट भारत आता था और भारतीय बाजारों में वो बिकता था डी विदिंडस्ट्रियाजेशन इंडियन मार्केट वॉज ओपन फॉर द सेल ऑफ फॉरिन गुड एक तरफ हम रॉ मटेरियल उन लोगों को देना शुरू किए और दूसरी तरफ हमारे बाजार उनके मालों से पट गए यानि विदेशी माल पूरे धड़ल्ले से भारतीय बाजारों में बिकने लगे सेस ऑफ द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियाजेशन पर ब्रिटिश वर एज फॉलोज डी इंडस्ट्रियाजेशन पॉलिसी के जो परिणाम थे वो इस प्रकार से है पॉइंट नंबर ए एज रिजल्ट ऑफ डी इंडस्ट्रियाजेशन इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड इन टू अ कंट्री दैट सप्लाई रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन इंडिया अब वो एक ऐसा देश बन चुका था जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता था ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को और वहां से मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट भारत आता था पॉइंट इंडस्ट्रियान ऑल्सो वे फॉर इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट मिल्स एंड फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन अन्य औद्योगिकरण ने यह भी एक रास्ता प्रसा है एक रास्ता बना दिया है कि इंपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट मैनुफेक्चर इन द मिल्स एंड फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन माने हम उन सामानों का इंपोर्ट करने लगे इंपोर्ट मतलब आयात करने लगे जो वहां के मिल कारखाने में बनते थे ऑल दिस वॉज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट और ये सारे इसलिए किए जाने लगे जिससे ब्रिटिश पूंजीपतियों को फायदा हो उनके बेनिफिट के लिए पॉइंट नंबर सी रोइनेशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज इंडिजिनस माने हमारे घर के उद्योग धंधों का जो बर्बादी हुई हाउएवर वॉज द अटमो सिग्निफिकेंस इन लाइफ एंड इकोनॉमी ऑफ इंडियन पीपल जिसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा भारतीयों के जीवन पे और उनके अर्थ पे यानी उनके अर्थव्यवस्था पे पॉइंट नंबर डी एज अ कंसिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ब्रिटिश पॉलिसी का परिणाम यह हुआ डी इंडस्टेशन का वॉज अ डी के ऑफ अर्बन सेंटर और टाउन एंड सिटीज लाइक like ढाका मुर्शिदाबाद सूरत एंड अदर्स डे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ऐसा परिणाम हुआ कि अर्बन सेंटर के माने बहुत सारे फैक्ट्रीज जैसे ढाका में मुर्शिदाबाद में सूरत में वो सब के सब बंद हो गए और यहाँ के रहने वाले इन शहरों के रहने वाले लोगों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा पॉइंट नंबर ए इनडिर द इन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पेव द वे फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इनडिरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में फायदा हुआ लेकिन वो फायदे के चलते हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी इन फैक्ट द रियल मोटिव बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी वॉज टू लिंक अप ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर रेलवे का जब इंट्रोडक्शन अंग्रेजों ने किया तो हम लोगों को समझ में आया कि नहीं वो हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं डी इंडस्ट्रियालाइजेशन के बाद लोगों को पता चला कि नहीं वो अपने फायदे के लिए रेलवे का इंट्रोडक्शन किए थे भारत में जिसके चलते वो भारत के कोने कोने तक अपने माल पहुंचा सके तो फायदा मेरा नहीं उनका हुआ इतना पॉइंट लिखने के बाद आप पैराग्राफ छोड़ के एक सेंटेंस ये भी लिख देंगे दिस वर इन शॉर्ट द कंसिक्वेंसेस ऑफ द पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियाजेशन फॉलोड बाई ईस्ट इंडिया कंपनीज़ गवर्नमेंट ये ऊपर जितना हम लोग पढ़े हैं वो परिणाम थे डी इंडस्ट्रियाजेशन नीति जो भारत में लागू की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसका यही रिजल्ट रहा थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के संग